अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परेमपुरा श्रीनगर में आज एक बहुत बड़ा वाका पेश है। जब आप सुनोगे ना, वहां पे छोटी छोटी बच्चों को क्या किया जाता है, 8 साल के बच्चे 7 साल के बच्चे, वहां पे पुलिस ने आज छापा मारा। उसके बाद 3-4 बच्चों को आजाद किया। जो बच्चे वहां पे भीख मांग रहे थे, वो बेचारे खुद भीख नहीं मांगते थे, उनके पीछे एक ऐसी टीम होती जो उनको मजबूर किया जाता था भीख मांगने के लिए। जिन बच्चों को पढ़ने की उम्र है उनको भीख मंगवा रहे थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बताया जरा, पुलिस ने अब उनको आजाद किया, उसको अपने साथ रखा। जब आपको कहीं छोटे बच्चे दिखे भीख मांगते हो, उसके बाद पुलिस से राबता करें। जो आप स्क्रीन पे तस्वीर दे दोस्तों, ये वहां की तस्वीर है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो हर एक तक पहुंचना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनको भीख मांगा रहे होते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी दोस्तों। और एक शर्मनाक वाका पेश आया पामपोर में दोस्तों। वहां पे एक ऐसा बेशरम आदमी जो मस्जिद में जाता है वहां पे चोरी करता है। जो आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रही है वही जलील इंसान है जो वहां पे एक हथौड़ा लेके जाता है और वहां पे अलमारी तोड़ता है, वहां पे कुछ सामान लेके वहां पे चोरी करता है। उस पागल को यह भी पता नहीं मरने के बाद मुझे अल्लाह के पास ही जाना, वो मुझे क्या सजा देगा। ऐसी गलती कभी मत करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देगा ये इंसान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो हर एक तक पहुंचना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने इससे पहले भी एक ऐसी वीडियो क्लिप देखी थी कि वहां पे एक मस्जिद में एसी भी गायब हुआ था। क्या हो गया ऐसे कश्मीरी लोगों को दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर दोस्तों। और एक दुखद खबर सामने निकल के आ रही, एक मां का घर उजड़ गया। एक ऐसी मां जिसका औलाद अपने से दूर हो गया, वो बेचारा इस दुनिया से चल बसा है। जो आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रही है वही नौजवान लड़का है जिसका नाम है राजवार। ये हिंदवाड़ा का रहने वाला है। बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस भाई के लिए दुआ मगफिरत जरूर करना। अल्लाह इस भाई को जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनके घर वालों को सब्रुल जमील अता करे। दोस्तों आजकल जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं, हमेशा अच्छे काम करते रहो क्योंकि मरने के बाद आपको अल्लाह से जवाब देना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो हर एक तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।